आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद से है, जहां पर बीती रात बहराइच दरगाह से जियारत कर वापस लौट रहे जायरीनों की पिकअप बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिसमें दो दर्जन से अधिक जायरीन बुरी तरीके से घायल हुए, जबकि एक जायरीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ है। वहीं पिकअप में पटरा लगाकर उसे दो मंजिला बनाया गया था, जिसमें सवारियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। नेशनल हाईवे 730 कटरा बाईपास के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर खरगोदा गणेश स्थित पेट्रोल पंप से थोड़ा सा ही आगे जाने पर ड्राइवर को नींद आ गई और जायरीनों से भरी पिकअप खाई में पलट गई। हादसा बीती देर रात करीब 1 बजे का है, जहां पर नेशनल हाईवे 730 इकोना कटरा के बीच खरगोदा गणेश पेट्रोल पंप के पास यह सड़क हादसा सामने आया। बहराइच दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह से लोग जियारत कर लौट रहे थे। जैसे ही ड्राइवर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, गाड़ी अचानक से खाई में पलट गई। हादसे में कई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग समेत लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में एक जायरीन की मौत हो गई, जिसकी पहचान अलाउद्दीन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी कठोलिया जिला संत कबीर नगर के रूप में हुई। हादसे में घायल सभी जायरीन जनपद सिद्धार्थ नगर तथा संत कबीर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर सुनकर इकोना तथा नवीन मॉडर्न थाने की पुलिस अस्पताल पहुंच गई, जहां पर पुलिस के द्वारा सभी घायलों को एम्बुलेंस में लदवा कर जिला अस्पताल बहराइच भेजवाया गया। हादसे में एम्बुलेंस कर्मियों और पुलिस कर्मियों के कार्य की सराहना की जा रही है। एम्बुलेंस कर्मियों की तेजी और तत्परता के चलते घायलों को शीघ्र ही चिकित्सा उपलब्ध कर उनकी जान बचाई गई। वहीं घटना की जानकारी होने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और अपनी मौजूदगी में सभी घायलों को लदवा कर जिला अस्पताल बहराइच भिजवाया। इधर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को जब घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर घायलों के उपचार में मदद की। इस दौरान इकोना के कई डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में आनंद थाने सभी का दवा उपचार किया गया तथा प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। सावस्ती जनपद के इकोना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के खरगोदा गणेश पेट्रोल पंप के पास का यह पूरा हादसा, जहां पर जायरीनों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए। सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ जायरीन ही जायरीन दिखाई पड़ रहे थे। यहां से सभी को आनन फानन प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया। इस बारे में जब पुलिस क्षेत्राधिकारी एमपी शर्मा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत डॉक्टर ने गंभीर बताई और आनंद फानन उन्हें जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे। ऐसे में सभी को इकोना से जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। मेला से एक पिकअप, इसका नंबर UPCZ9497 था, संत कबीर नगर ले या उनको तीर्थयात्रियों को लेके जा रही थी, जो नवीन माना थाना क्षेत्र में कटरा के पास में ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण गाड़ी खन्ने में चली गई
इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। सभी को उपचार हेतु तिकोना CSC से बहराइच के लिए भेज दिया गया। सर, इस हादसे में किसी की मौत भी हुई है? एक आदमी अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति की एक मौत हुई है। इस मामले में पिकअप चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके की एक घटना है जहां पर पिकअप चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जब पिकअप चालक से बातचीत की गई तो उसने बताया कि अचानक नींद आ जाने के चलते तथा सामने से एक वाहन के आ जाने के चलते यह सड़क हादसा सामने आया, जिसमें पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने यह भी बताया कि उसके लाख मना करने के बावजूद भी पिकअप में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे, जो बहराइच से संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के लिए वापस जा रहे थे, तभी यह सड़क हादसा सामने आया। घटना स्थल की ये तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ सारा सामान बिखरा पड़ा। इसी पिकअप में लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे, जो हादसे का शिकार हुए। खरगोदा स्थित पेट्रोल पंप के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जब सुबह हुई तो लोगों का जमावड़ा लगने लगा और लोग इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हुए नजर आए। दरगाह से इस समय भारी तादाद में लोगों की वापसी हो रही है। लोग अपने वाहनों को 2 तल्ला बनाकर उसमें क्षमता से अधिक सवारियों को भरकर चल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, परंतु ऐसे वाहन सड़कों पर बेखौफ होकर गुजरते हैं और इन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, जो लगातार सड़क हादसों को जन्म देते हैं। अभी लगभग 1 सवा 1 बजे यहाँ पे कटरा के पास एक डीसीएम पलट गया, उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। हमारे पास जो इंजर्ड पेशेंट आए थे 21 और एक हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। सभी का इलाज करके उनका प्राथमिक उपचार करके उनको मेडिकल कॉलेज बहराइच भेज दिया गया। इसमें कितनी जो है महिलाएं हैं, कितने बच्चे, लगभग संख्या? महिलाओं की संख्या लगभग 10 महिलाएं हैं और 11 पुरुष हैं। सर, कैसी हालत है उन सभी की जिनको रिफर किया गया है? कुछ की हालत काफ़ी नाजुक है, काफ़ी लोगों को हेड इंजरी हुई है और बाकी कुछ लोगों को सामान चोटें आई हैं और सबको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया।